सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ना करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट सीखो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है कंट्रोल पैनल में दोस्तों, और ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को सबसे पहले कैसे अनइंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों उसके लिए आपको जाना होगा कंट्रोल पैनल में, और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको जाना है प्रोग्राम्स का जो नीचे है, यहाँ पे अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम, यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और किसी जिस भी सॉफ्टवेयर को चाहते हैं आप अनइंस्टॉल करना उस पर कीजिए राइट क्लिक और डन कीजिए, तो ये जो सॉफ्टवेयर हो जाएगा अनइंस्टॉल। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है तो हम इस चाहते हैं इसे अनइंस्टॉल करना। ठीक है, तो मैंने किया अनइंस्टॉल, फिनिश। एक मिनट मैं करता हूँ, आई डोंट नो वांट टू टेल यू। ठीक है, तो मैं इसे दोस्तों जब आप अपने कंप्यूटर करेंगे रीस्टार्ट दोस्तों, अगर काफ़ी दोस्तों ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऐसे नहीं दोस्तों, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एरर मैसेज दिखाने लगते हैं। तो सिंपल दोस्तों आपको करना है इसे यहाँ पे क्रॉस, उसके बाद फिर से जाना है आपको कंट्रोल पैनल में और फिर से करना है उस ऐप को अनइंस्टॉल, तब हो जाएगा अनइंस्टॉल। नहीं तो दोस्तों सिंपल दोस्तों आप अपने सर्च बार में जाइए और जिस भी सॉफ्टवेयर का आप चाहते हैं यहाँ से अनइंस्टॉल करना, तो दोस्तों आप यहाँ पे जाइए और सॉफ्टवेयर की तरफ। ठीक है, और आप देन उसके बाद आप कर दीजिए यहाँ पर राइट क्लिक। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर आते हैं एक बार, और आने के बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर को, किसी सॉफ्टवेयर को लेते हैं, इस वाले सॉफ्टवेयर को हम लेते हैं, और यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो ये बोलेगा अनइंस्टॉल। जब दोस्तों हम इसे अनइंस्टॉल करेंगे तो दोस्तों ये हमें भेज देगा डायरेक्ट वहाँ पे कंट्रोल पैनल की तरफ, और यहाँ से दोस्तों आप मार के इसे अनइंस्टॉल जो है ऑप्शन करके दोस्तों इसे आप कर सकते हैं अनइंस्टॉल। लेकिन दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई स्टोर है जैसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, वहाँ से आपने किए हैं अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल, तो उसे कैसे कर सकते हैं आप अनइंस्टॉल, उसके लिए आपको जाना होगा उस सॉफ्टवेयर की तरफ और यहाँ पर करना होगा आपको राइट क्लिक और फिर से करना होगा आपको अनइंस्टॉल। यहाँ पर दोस्तों आप एक बार ऐसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, ये फिर आपसे पूछेगा, उसके बाद फिर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए तो ये जो ऐप है हो जाएगा अनइंस्टॉल। और यही दोस्तों अगर आपको अपने कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर करना है इंस्टॉल तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों जाइए उस सॉफ्टवेयर की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर में दो सॉफ्टवेयर यहाँ पे अवेलेबल हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल, तो दोस्तों उस सॉफ्टवेयर पर कीजिए दो बार क्लिक। ठीक है, तो दोस्तों आ जाएगा यहाँ पे एक ऑप्शन, मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो ऐप है हमारे कंप्यूटर में हो गया, होने लगा है इंस्टॉल। ठीक है, अभी से इंस्टॉल होता है तो उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा ऐप बताऊंगा कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल दोस्तों देख सकते हैं ये जो ऐप है कितना इजी तरीके से हो गया इंस्टॉल। लेकिन दोस्तों काफ़ी कुछ मतलब ऐप होते हैं जो ऐसे इजीली इंस्टॉल नहीं होते, उसमें कुछ आपको ऑप्शन को चेक मार्क करना होता है तभी आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ। ठीक है, देख सकते दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन पूछा, मैंने उसे ऑप्शन यहाँ पे दे दिया, उसके बाद आपको करना है एक्सेप्ट, फिर करना है आपको नेक्स्ट। दोस्तों यहाँ से आपको फोल्डर चुनना है किस फोल्डर में इस सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम को आप रखना चाहते हैं, मतलब डाटा को। तो दोस्तों आप यहाँ पे, मैंने दोस्तों यहाँ पे मेरा सी ड्राइव ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उसके बाद मैं करता हूँ नेक्स्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक मार्क जो है ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों ये जो ऐप है दोस्तों हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों। तो यही दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही दोस्तों आप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर किसी भी फाइल और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसके बारे में और भी जानकारियाँ दूंगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक शेयर कॉमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।